आपके सवालों का स्वागत है। सुओ मोटो पर प्लीज पहले। बीजेपी के प्रवक्ता शजाद पूनावाला और तमाम नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है, वहां तो इस चुनाव में क्या कहेगा कि आप उनके कहा उनकी सरकार है वहां आप सवाल उठाएं, जहां आपकी सरकार है वहां वो सवाल उठाएं और महिलाएं परेशान होती रहे। दिया है कि राजस्थान हो बंगाल हो हर जगह इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है, तो राजनीति तो जम के चल रही है लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा है? मुझे लगता है ये एक सभ्य समाज का मुद्दा है। मुझे दो प्रति का फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हो या ना हो। मुझे समाज से भी शिकायत है, मुझे उन लोगों से शिकायत है जिसको उसने 8 किलोमीटर के दायरे में देखा, जिन लोगों ने और मदद नहीं की, उसको एक वस्त्र नहीं दिया उसका बदन ढकने के लिए, मुझे उन लोगों से भी शिकायत है। यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। और तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप राजस्थान में रेप खंगोलिए, आप बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं पर भी अगर महिला के खिलाफ अत्याचार होता है वो गलत है, वो दुष्कर्म है, वो पाप है। लेकिन पुलिस और प्रशासन क्या करता है, सारी बात आकर इस पर टिक जाती है। अगर मणिपुर में होता है ऐसा तो पुलिस और प्रशासन संलग्न पता चलता है, अगर मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ तो उसकी दलित आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उसको भिखारी और दिमागी रूप से विक्षोभ बता दिया जाता है। किसी और राज्य में ऐसा हुआ है? किसी और राज्य में 24 घंटे लगते हैं एफआईआर होने में? नाबालिग की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नाबालिग के गुमशुदा होने की एफआईआर त्वरित होनी चाहिए। कौन इन बातों के लिए जवाब दे? आप बिल्कुल बोलिए हमारे राज्यों में रेप होता है, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलिए। सभ्य समाज में आधी आबादी के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म पर हम सबको एक स्वर में उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। लेकिन ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति नहीं है। ये निष्क्रियता जहां पर पुलिस और प्रशासन की होती है और जिसके चलते ये मामले बढ़ते हैं उसकी राजनीति है। आप ले आइए मामले कहीं के, क्या उन मामलों में उस महिला के दलित होने को छुपाया जाता है? क्या उन मामलों में एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई एक विद्यार्थी को यह छुपाया जाता है कि वो विद्यार्थी है? उसको भिखारी घोषित कर दिया जाता है क्योंकि आपके राज्य में चुनाव है? सतना की लड़की को आप उत्तर प्रदेश का बता देते हैं क्योंकि आपके राज्य में चुनाव है? आप अच्छे खासी 12 साल की लड़की को विक्षिप्त बना देते हैं मेंटली? ये किसी और राज्य में होता है? किस तरह की बातें हैं ये? कौन सी राजनीति का मुद्दा है? शर्म आनी चाहिए, ये रेप वर्सेस रेप की राजनीति। मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती अगर पुलिस और प्रशासन की ये खामियां, ये निष्क्रियता ना पता चलती। और ये बात मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मंच से पूरे दम से कह सकती हूं। ये जो इंडिया गठबंधन पटना, बेंगलोर और मुंबई से इतना सरपट दौड़ा था, किसी तरह का कोई ब्रेक, किसी तरह कोई परेशानी दिख रही है आपको? तो आपको लग रहा है कि क्योंकि एक पर्टिकुलर शहर में सब लोग एक जगह एकत्रित होकर मीडिया का समूह के सामने बात नहीं कर रहा है तो बात नहीं हो रही है? ऐसा गलत है। बहुत सारी बातें फोन पर, बहुत सारी बातें जूम कॉल पर, बहुत सारी बातें कॉन्फ्रेंस कॉल्स पर होती हैं। हर बात मीडिया में बताना जरूरी नहीं होता है। जब कोई पुख्ता चीजें तय होंगी तो आपको जरूर पता चलेगा। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ऐसे ही प्रहरी बने रहिए। धन्यवाद।